हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत ब्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टॉप 10 बाइक जो लेह लद्दाख के लिए परफेक्ट हैं, मल्टीपल रोड कंडीशंस के लिए परफेक्ट हैं एंड अगर आप लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हैं तो ये बाइक आपके पास जरूर होना चाहिए जिससे कि आप इश्यू फ्री और इन्जॉय राइड कर सके। तो मेरी टॉप 10 लिस्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों 10वें नंबर पे जो आता है वो है बजाज एवेंजर 220 मॉडल, जो कि शॉर्ट हाइट पीपल्स एंड वुमेन राइडर्स के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। अगर इसके पावर के बात करें तो 220 सीसी का अंदर इंजन आता है जो 19 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। 40 kmpl का इसका माइलेज होता है जो कि 40 लीटर के टैंक से आपको मिलती है एंड इसका जो वेट है वो भी बहुत हल्का होता है। 155 kg की गाड़ी होती है जिससे कि आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ABS मॉडल इसमें टोटली अवेलेबल है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 125,000 के आसपास आपको अपनी सिटी में मिल जाएगा। सिटिंग हाइट जो है इसकी 725 mm की होती है जिससे कि स्मॉल हाइट पीपल्स या फिर जो वुमेन शॉर्ट हाइट होती है ना उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है एंड अभी भी बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। जो इसका मॉडल है, जो इसका कंट्रोलिंग है ना, वो बहुत ही अच्छा ग्रिप बनता है, इसलिए मैंने इसको 10 नंबर पर रखा हुआ है। तो दोस्तों 9 नंबर पे है हीरो का एक्सपल्स 200 सीसी मॉडल। अभी आपको ये हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ये गाड़ी, बिकॉज ये मॉडल जो है रेडी टू गो मॉडल है एंड ऑफ रोड ऑन रोड कंडीशन पे अच्छा ग्रिपिंग देता है। सस्पेंशन भी इवन फ्रंट बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 18.1 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। 200 सीसी का इंजन है, 154 kg की एक गाड़ी है। सिटिंग हाइट थोड़ा सा लंबे लोगों के लिए सही है, शॉर्ट लोगों के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा बिकॉज इसकी सिटिंग हाइट 823 mm का है। तो इट मीन्स आपके अगर हाइट 5.8-5.9 है तो आप इसको इजीली राइड करते हैं, उससे कम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका जो माइलेज है वो 40 kmpl का मिल रहा है, 13 लीटर का टैंक मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब 40 kmpl अगर और नॉर्मल में कहा जा रहा है तो हिली एरियाज में वही आप मान के चलिए 32-35 के आसपास मैक्सिमम मिल सकता है। तो ऑन रोड प्राइस जो है इसका 1.25 lakhs का है। फ्यूल एंड कार्बोरेटर दोनों मॉडल मिलता है, थोड़ा बहुत ही चेंज है वेरिएशन में, तो इसीलिए मैंने इस मॉडल को रखा हुआ है 9 नंबर पे। तो दोस्तों 8 नंबर पे है यामा FZ25 एंड यामा का जहाँ नाम आता है वहाँ पर परफॉर्मेंस, स्ट्रस, बिल्ड क्वालिटी इन सब चीज़ों के बारे आती है। तो दोस्तों ये जो पावर प्रोड्यूस करता है 20.3 bhp का है, 39 kmpl के आसपास एवरेज कंपनी क्लेम करती है, बट जो एक्चुअल एवरेज है वो 35-36 के आसपास ही मिलता है। वेट थोड़ा लाइट है, 148 kg की गाड़ी पड़ जाती है। जो इसका ऑन रोड प्राइस है 1.55 lakhs के आसपास में आपको ड्यूल चैनल एबीएस के साथ मिल जाता है। एवरेज अच्छा है, टैंक कैपेसिटी थोड़ी छोटी की गई है, ये 13 लीटर्स की है, टैंक साइज के हिसाब से थोड़ा छोटा लगता है एंड बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फीचर्स है ना जो इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं। बट इसका जो सिटिंग हाइट है वो 5.6-5.7 के लिए सही है, मतलब जो सिटिंग हाइट है वो 795 mm का है। तो उससे नीचे अगर किसी की हाइट है तो थोड़ा कंट्रोलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइक पहुंचने में प्रॉब्लम होता है। कुछ एक पॉइंट्स की वजह से ये 8 नंबर पे है, जैसे कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस और सिटिंग पोजीशन पे बहुत ज़्यादा फिंगर पॉइंट किए जा रहे हैं, इसीलिए 8 नंबर पे, वरना ये पूरा इसका पोटेंशियल था कि ये हायर नंबर पर जा सकता था। दोस्तों 7 नंबर पे आता है KTM Duke 200 प्लस मॉडल, जितने भी हैं 250, 390 मॉडल, ये सभी मॉडल जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टूरिंग ट्रिपिंग पे। इवन लेह लद्दाख में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज इसका पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस, फीचर, सारी चीज़ें जो हैं वो टूरिंग को मैच करता है। आप डेली राइड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल रोड कंडीशंस पर राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, सिटिंग पोजीशन भी इवन कई हद तक बहुत अच्छा है, बट जो टैंक साइज है वो थोड़ा सा कम मिला था, 10 लीटर के आसपास का वो टैंक मिलता है। माइलेज भी उतनी अच्छी नहीं है, जो 200 सीसी है वो 35 kmpl के आसपास कंपनी क्लेम करती है, बट 32 के आसपास एवरेज देती है एक्चुअल में। वही 390 जो है आपको 24-25 के आसपास ही माइलेज एवरेज देती है। वेट जो है लाइट है गाड़ी का, स्पोर्ट्स बाइक है ऑब्वियसली लाइट होना चाहिए। तो आपको अभी प्राइसिंग के बाद बात करूँ ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो जो 200 सीसी है वो आपको पड़ती है 190 के आसपास में एंड जो 390 है वो आपको पड़ती है 3 lakh के आसपास में। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बट ये टूरिंग ट्रिपिंग के लिए 7 नंबर पे परफेक्ट प्लेस है इसका। तो 6 नंबर पे है बैनली इंपीरियल 400 मॉडल एंड ये एक्चुअल में डिजर्व करता है। ये न्यू मॉडल है बट फुल्ली लोडेड एंड फीचर्ड मॉडल है। इसका जो पावर है, जो सीसी है, इंजन है वो 374 सीसी का है एंड 20.7 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। गाड़ी एक्चुअल में हैवी है, 205 किलो की, 205 kg की एक गाड़ी है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो 2.10-2.15 lakh के आसपास जो नया प्राइस, अपडेटेड प्राइस आया हुआ है 2020 का, वो प्राइस हो चुका है एंड मल्टीपल कलर ऑप्शंस में मिल रहा है। कलर तो ठीक है, बट जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है दैट इज़ इसका जो टैंक साइज़ है वो बहुत ही कम है, इसका माइलेज भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है आपको। 32 के आसपास कंपनी क्लेम कर रही है, मैं बोल रहा हूँ कि 30 के आसपास ही एवरेज मिलने वाली है एंड जो टैंक साइज़ है वो 12 का है। सिटिंग साइज़ जो है दैट इज़ 780
एंड ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। फिर भी बोलूंगा कि लेह लद्दाख साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ये सब चीज़ें प्रो एंड कॉन्स करती हैं, सर्विस, न्यू मॉडल है, इसके मैकेनिक्स, ये सब चीज़ों की वजह से ही ये सिक्स प्लेस पे हैं। तो दोस्तों लकी फाइव नंबर पे आता है जावा 42 मॉडल एंड जो स्टैंडर्ड मॉडल है जावा का। एंड ये दोनों ही मॉडल जो है एक्चुअली पर्पस टूरिंग बाइक टाइप बनाया गया है इनको, एंड इसकी सिटिंग हाइट बहुत ही कंफर्टेबल है सिटिंग हाइट, बट जो लंबे लोग हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर पावर की बात की जाए तो 293 cc का इंजन है, 27 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। जो एवरेज जो कंपनी बोल रही है वो दैट इज़ 37.5 kmpl, बट जो एक्चुअल आता है वो 32 to 34 के आसपास ही इसका माइलेज आ रहा है। एंड गाड़ी नॉर्मल वेट है, मतलब ना हैवी है ना लाइट है, 170 kg के आसपास की ये इसका है। एंड जो ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में जो रेट पड़ रहा है 1.90 lakhs के आसपास में रेट आ रहा है। एंड सिटिंग हाइट अगेन जो मैंने बताया कि कंफर्टेबल है, जो आपको 165 mm का मिलता है, जो जिनकी हाइट 5.4 या 5.5 है वो ईजिली इसको राइड कर सकते हैं, बट जो 6 प्लस हैं उसको राइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इज़ गुड, फीचर इज़ गुड, जो आपको लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है वो भी अच्छा है, बट बिल्ड क्वालिटी को लेके अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन एंड फिंगर पॉइंटिंग इस मॉडल के ऊपर हो रहे हैं, इसीलिए ये मॉडल जो है वो 5th नंबर पर है। तो दोस्तों 4th नंबर पे है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 एंड 500 cc मॉडल। एंड ये दोनों मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मॉडल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं लद्दाख टूरिंग एंड ट्रिपिंग पे। एंड ये पर्पस बाइक है, इस मॉडल का आपको सर्विस सेंटर हर एक सिटीज़ में आपको मिल ही जाएगा, मैकेनिक जो है लोकल मैकेनिक भी इसको ईजिली कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। एंड आपको ईजिली इसका जो प्राइस है रेंटल प्राइस भी है वो 1100 rupees में आपको ईजिली मिल जाती है। एंड पावरफुल बाइक है, बट थोड़े से प्रो एंड कॉन्स की वजह से ही पीछे जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा इसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन लेवल, इसका जो ट्यूनिंग है कार्बन ट्यूनिंग ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर पावर की बात की जाए तो 346 cc का इंजन होता है, 19.1 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, हैवी गाड़ी है, 195 kg की गाड़ी आती है। एंड प्राइसिंग रेंज की बात की जाए तो प्राइसिंग रेंज बहुत लंबा है एक्चुअली, ये 350 cc और 500 cc दोनों की बात कर रहे हैं, तो 190 cc स्टार्ट होता है और 2.5 lakhs तक ये मॉडल के जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। सिटिंग हाइट 800 mm की होती है, जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो आती है इसके अंदर 13.5 की है, जो माइलेज कही जाती है हिली एरियाज में अगर बात करूँ तो 30 प्लस तो आपको ईजिली मिल ही जाता है। आप नॉर्मली राइड करो और अच्छे ट्यूनिंग के साथ करते हैं और आपकी राइडिंग सिंपल है तो आपको अच्छी एवरेज मिल ही जाती है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर है, जैसे आपको इसमें बहुत सारी एसेसरीज मिल जाती हैं जो चीप प्राइस में सस्ते प्राइस में आपको मिल जाती हैं, जो टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो है 4th नंबर पे हैं। तो दोस्तों 3rd नंबर पे आता है बजाज डोमिनार 400 cc मॉडल। एंड अभी बहुत सारे जो राइडर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं डोमिनार के ऊपर, बिकॉज इसकी जो रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस जो आ रही है हाईवे पे, टूरिंग पे, हाई एल्टीट्यूड पे वो बहुत ही अच्छी आ रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अगर पावर की बात की जाए तो 373 cc का इसके अंदर इंजन आता है, जो 39.4 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। गाड़ी हैवी है, मतलब मीडियम हैवी है जिसको बोल सकते हैं, माइलेज एक्चुअल में कम है, 30 के आसपास जो है एवरेज बोला जा रहा है, बट जो इसका एक्चुअल में एवरेज है वो 27-28 के आसपास ही मिलता है। सिटिंग पोजीशन इज़ नॉर्मल, कोई भी मतलब जिनकी हाइट 5.6, 5.7, 5.8 है वो ईजिली इस गाड़ी को राइड कर सकते हैं। पिकअप, परफॉर्मेंस, फीचर्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं इस मॉडल को डेडिकेट किए जाते हैं, बट फिर भी अभी भी थोड़ी चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इसी वजह से मैंने इस मॉडल को रखा है 3rd पे। तो 2nd नंबर पे है रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर 650 cc मॉडल। एंड ये टोटली डिजर्विंग मॉडल है बिकॉज राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, कम्फर्ट, ये फीचर्स जो हैं वो रॉयल एनफील्ड राइडर्स को और इसके राइडर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ 3 lakhs के अंदर में पहला ये मॉडल है जो पैरेलल ट्विन इंजन और इतना रिफाइन इंजन जो है वो राइडर्स को दे रहा है। लेह लद्दाख के रूट्स पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है सस्पेंशन के साथ में। एंड बात की जाए अगर पावर की तो 648 cc का इसका इंजन है, जो 47 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, 202 kg का इसका वेट है, वेट थोड़ा हैवी है। एंड ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो 3 lakhs से इसका मॉडल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, वो 10-12 हज़ार के गैप में आपको मिल जाते हैं। अगर सिटिंग हाइट की बात की जाए तो 804
mm का इसका सिटिंग हाइट है, जो कि अगर आपकी हाइट 5.7 या 5.8 है तो आप इजीली कंफर्टली इसको राइड कर सकते हैं। लंबे हैं तो राइड इजीली कर लेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा कंफर्ट प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर बात की जाए कि टैंक की, तो टैंक जो है वो 13.7 लीटर्स का है, जो कि बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जिस पर्पज़ से गाड़ी बनाई गई टूरिंग ट्रिपिंग के, तो उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। एंड एवरेज जो है वो 27 के आसपास आपको नॉर्मली मिल जाती है, एंड ये फुल डिजर्विंग मॉडल है सेकेंड प्लेस के लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आता है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन मॉडल, एंड ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मॉडल है, जो लेह लद्दाख ट्रिप पे टूरिंग पे यूज़ किया जाता है, और ये पर्पस्ड बाइक है एक्चुअल में। ये टूरिंग ट्रिपिंग एंड इसके जो एसेसरीज होते हैं वो भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि आपके टूरिंग ट्रिपिंग को बहुत ज़्यादा कम्फर्ट दे सके, एंड ये रेडी टू गो, मतलब किसी भी रोड कंडीशन पे आप इसको जम करवा दीजिए, कुदा दीजिए, ये आपको पूरा खड़े उतरेगी। बीच में कुछ इश्यूज थे इसके, बट वो बहुत सारी चीज़ें जो नए मॉडल्स हैं उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, एंड ये मॉडल जो है सस्ता, अच्छा और टिकाऊ टाइप का मॉडल है, जो आपको लेह लद्दाख ट्रिप के लिए हेल्प करेगा। अगर इसके पावर की बात की जाए तो 411 सीसी का इंजन है इसके अंदर, 24.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, 182 kg का इसका वेट है, एंड जो नया मॉडल है वो 2,20,000 के आसपास में आपको ऑन रोड प्राइस मिल रहा है। सिटिंग हाइट 800 mm का है, एंड जो टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर के आसपास की आपको मिलती है, एंड एवरेज इज़ गुड। आपको नॉर्मल जो एवरेज है वो 30 के आसपास ये आराम से दे देता है, एंड जो 411 cc का इंजन है वो आपको आपको नॉर्मली देखिए जो बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है कि 25, 26, 27 का से मिल रहा है, आराम से 30 के आसपास आपको एवरेज दे देता है। एंड बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी राइड को एक्चुअल में करते हैं, ये पर्पस बाइक है। आप इसमें जो गार्ड्स देखेंगे, जो इसमें एसेसरीज की जगह देखेंगे, वो सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करती हैं कि ये मॉडल लद्दाख हिमालयन टूरिंग ट्रिपिंग के लिए ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आई होप सारी डिटेल आपको क्लियर हो चुकी होगी। कैसे लगी आपको वीडियो जरूर मुझे बताइएगा, एंड आप अगर सीक्वेंस को आगे भी चेक करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या बेस्ट पिकअप है, आपका कौन सा मॉडल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि एज सजेशन जो है मुझे हेल्प कर सके। दोस्तों, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए गुरुजीत ब्लॉग, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के लिए आती रहेंगी। बाय।